हर साल जो है 29 सितंबर को विश्व हृदय रोग दिवस मनाया जाता है और इसके जागरूकता के लिए ये जो है 29 सितंबर को मनाया जाता है ये दिवस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल बदलती दिनचर्या जो है और खान पान के कारण हृदय रोग से संबंधित जो रोग है वो बढ़ चुके हैं। हार्ट अटैक जैसे जो बीमारी है वो बहुत हमें देखने को मिलती है, बहुत ही आम हो चुका है हार्ट अटैक ये नाम। तो आज हम इसी सब हृदय से संबंधित जो भी जानकारी है, किस तरह से इसे रोका जा सकता है या इसके लिए कौन से उपाय करना चाहिए, इस सब को लेकर हम आज खास बातचीत करेंगे डॉक्टर सचिन देवहारे इनसे, क्योंकि इनके जो थेरेपी है या इनकी जो ट्रीटमेंट है बिना सर्जरी की ये हार्ट की ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो किस तरह की ट्रीटमेंट है उसके बारे में भी हमें जानना है, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए, आपसे EECP इस थेरेपी के बारे में हमारे दर्शकों से मतलब आपको रूबरू करवा रहे हैं कि ये थेरेपी है क्या। तो क्या बताना चाहोगे सर कि ये जो थेरेपी है आप जिस तरह से ट्रीटमेंट करते हो उसके बारे में पहले तो संक्षिप्त में बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्ते, मैं डॉक्टर सचिन देवहारे, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मुग्धा ACP हार्ट केयर सेंटर अजनी स्क्वायर नागपुर। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को और आप सब टीम को वर्ल्ड हार्ट डे की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आज इस वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्यता में मुझे जागरूकता के हिसाब से आज BCN ने इन्वाइट किया, उसके लिए मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। देखिए आज हृदय, जैसे मैडम ने बताया है कि आज हृदय रोग ये एक जागतिक बीमारी तो नहीं बोलेंगे लेकिन जागतिक स्तर पर सबसे बड़ी बीमारी बोल सकते हैं, जिसके कारण आज अराउंड 40% जो डेथ होती है वो हृदय रोग से ही होती है। बिल्कुल। तो आज हृदय रोग के हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट के बारे में और कुछ जानकारी देना चाहूँगा जो अपने यहाँ हमारे सेंटर में होती है। जैसे कोई भी हार्ट अटैक अगर कोई पेशेंट को आता है या हार्ट की बीमारी से अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो उनका एंजियोग्राफी हम करते हैं, और एंजियोग्राफी में अगर वहां पे कुछ ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं, भला ही वो पेशेंट स्टेबल हो अनस्टेबल हो, तो उनको जनरली एंजियोप्लास्टी या बाईपास ही एडवाइस किया जाता है। बट मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि एक जो ट्रीटमेंट एलोपैथी में अवेलेबल है, जो 1960 से ट्रीटमेंट चल रही है ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड वाइड जो ट्रीटमेंट चलती है वो एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन जिसे बोला जाता है EECP। तो ये ट्रीटमेंट 1960 से चल रही है और प्रोग्रेसिवली जब एंजियोप्लास्टी के जब 1965 में बाईपास ऑपरेट हुआ, उसके बाद में 1990 से एंजियोप्लास्टी जब आई है, तो धीरे धीरे लोग जो EECP ट्रीटमेंट है जो जिसका रिजल्ट इक्विवेलेंट टू बाईपास सर्जरी बोल सकते हैं वो उतनी प्रचलित नहीं हो पा रही है, और उसके ट्रायल्स फिलहाल जो भी अवेलेबल है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या ओवरऑल काफ़ी थियोरीज अवेलेबल है। इवन हमारे एलोपैथी के बुक्स में हैरिसन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन में भी इस ट्रीटमेंट का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ब्राउनवॉल्स टेक्स्ट बुक ऑफ कार्डियोलॉजी की बुक में भी इसके बारे में काफ़ी अच्छे विस्तृत में विवरण दिया है। तो ये प्योरली एलोपैथी और प्रूवन टेक्नोलॉजी की ट्रीटमेंट है जिसे हम यहाँ पे आज वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पर अवेयरनेस के हिसाब से आपको बताना चाहते हैं। इसमें कुछ मिथ फैक्ट्स भी है जो भी हम धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ये एक नॉन सर्जिकल नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है जो हार्ट को बिना चीरफाड़ के बिना तकलीफ के हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये जो EECP के बारे में आपने बताया, थेरेपी के बारे में, ये जो है बिना ऑपरेशन की ये सर्जरी नहीं बोल सकते इसे, बिना ऑपरेशन के आप अपने हार्ट को जो है ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसका मतलब तो ऐसा ही होता है EECP का। तो मुझे ये बताइए सर कि EECP के बारे में कितने लोगों में जागरूकता है और EECP थेरेपी के लिए डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उनकी ओर से क्यों नहीं अवेयरनेस मतलब निर्माण किया जा रहा है। देखिए EECP के बारे में जागरूकता बोले तो हम सिर्फ हमारे लीजन को ही एक कंपेयर कर रहे हैं, बट अब मैं बताना चाहूँगा कि ग्लोबली यानी ऑल ओवर वर्ल्ड EECP एक काफ़ी फेमस ट्रीटमेंट है। US में जाएंगे आपको EECP ट्रीटमेंट के बारे में हॉस्पिटल से आपको अवेयर किया जाता है, वो आपको एडवाइस किया जाता है, हर जगह मिलती है। अपने इंडिया में भी काफ़ी जगह पे ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। इवन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तो वहाँ पे गवर्नमेंट जैसे हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वैसे वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वहाँ पे भी EECP ट्रीटमेंट मुहैया की गई है। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी कुछ एम्पैनलमेंट में भी ये ट्रीटमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट में वहाँ पे दी गई है।
पर अनफॉर्चुनेटली हमारे महाराष्ट्र में उतना अवेयरनेस नहीं है। फिर भी हम लोग जहाँ हमारे नागपुर में भी एक दो सेंटर्स है हमारे साथ में काम करते हैं। इसके अलावा ऑल ओवर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो एशियन हार्ट हॉस्पिटल मुंबई में, वहाँ पे भी ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वहाँ के डॉक्टर रमाकांत पांडा वो काफ़ी पेशेंट्स को ईसीपी एडवाइस किए जाते हैं करते हैं। इवन प्री ऑप जिनका बाईपास एंजियोप्लास्टी करना है और उनका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या डिफ्यूज डिसीज है, ऐसे कंडीशन में वो ईसीपी एडवाइस करते हैं। और काफ़ी मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर रमाकांत पांडा सर के, जो कोई नागपुर बेस्ड है अपने विदर्भा के हैं तो हमारे सेंटर में ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हम ये नहीं बोलेंगे कि ये पेशेंट ट्रीटमेंट अवेयर नहीं है, काफ़ी जगह अवेयरनेस, अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में उतना अवेयरनेस नहीं है, तो जिसके कारण हम अभी आपको अवेयरनेस के हिसाब से आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं। बिल्कुल, हार्ट ब्लॉकेजेस ये आमतौर पे मतलब बहुत ही आम समस्या हमें दिखाई देती है लोगों में। भारत में हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा मौतें जो हो रही है, तो हार्ट ब्लॉकेजेस में किस तरह से ईसीपी काम करता है और इसके बारे में बहुत सारे मिथ भी हमें देखने मिलते हैं, क्या बताओगे? देखिए, सबसे पहले तो हम फर्स्ट मिथ ये है कि कोरोनरी हार्ट डिसीज इट्स अ प्योरली हार्ट डिसीज। बेसिकली हार्ट डिसीज ये कोरोनरी हार्ट डिसीज हार्ट डिसीज ना होते एक ब्लड फ्लो रिलेटेड डिसीज है। मीन्स अपना जैसे हम पूरे बॉडी में हमको ऑक्सीजन न्यूट्रिशन लगता है और जो ब्लड के थ्रू हमको मिलता है सर्कुलेशन के थ्रू, अगर जैसे हमारे पूरे बॉडी में लगता है वैसे हमारे हार्ट में भी उसका खुद को सर्कुलेशन लगता है। तो जो ब्लड वेसल्स अपने हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करता है उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली एज रिलेटेड बोलो या कुछ प्रीमॉर्बिड हिस्ट्रीज होने के कारण कोई पेशेंट को अगर ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं तो वहाँ पे जो रिक्वायर्ड ब्लड फ्लो है वो हमको वो हार्ट को नहीं मिल पाता, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण अगर वो हम एंजियोप्लास्टी से भी हम ऑब्स्ट्रक्शन निकाल के हम ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हैं या बाईपास करके आर्टिफिशियली कोई आर्टरी या वेन लगा के भी हम लोग उसका ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लड फ्लो हम बढ़ा सकते हैं, तो डेफिनेटली इसी पे भी हम सेम टेक्निक है, हम नेचुरली हम उसको मशीन के द्वारा डायलेट करा के जिससे कोलेटरल्स डेवलप हो के वो ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो अल्टीमेटली कोरोनरी हार्ट डिसीज नथिंग बट एक ब्लड फ्लो रिलेटेड डिसीज, वी कैन मैनेज इट विद एंजियोप्लास्टी बाईपास एंड इवन ईसीपी ऑल द ट्रीटमेंट्स। तो ये एसीपी एक सेफ ट्रीटमेंट है एज कम्पेयर टू बाईपास एंड प्लास्ट। हाँ, अनफॉर्चुनेटली अगर कोई पेशेंट आईसीयू में है उसका हेमोडायनेमिक्स मेंटेन नहीं हो पा रहे और इमरजेंसी में जान बचाने के लिए उसका एंजियोप्लास्टी करना है जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं तो डेफिनेटली वो हमने करना चाहिए। बट अगर पेशेंट स्टेबल है और उनको अगर टाइम है सोचने के लिए तो डेफिनेटली उनको ये एसीपी ट्रीटमेंट हमने, जैसे आपने पूछा कि यहाँ के डॉक्टर्स अवेयर नहीं है, तो डेफिनेटली उनको मैं अवेयर करना चाहूंगा कि ये ट्रीटमेंट उनको ऑप्शन में हम रख सकते हैं, उनको एडवाइस कर सकते हैं। बिल्कुल, ईसीपी जो होती है ये किन के लिए फायदेमंद है हम कह सकते हैं, या जैसे हार्ट के लिए जो दवाइयाँ ले रहे हैं जिनके लिए महीनों की दवाइयाँ उनके लिए रहती है, जैसे एंजियोप्लास्टी के बाद भी केयर के तौर पर ईसीपी का इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ईसीपी ये हम जैसे आप पूछ रहे हैं कि किसको दे सकते हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ईसीपी हम सिर्फ हार्ट के पेशेंट को स्पेसिफिक जो डायग्नोस्ड हुआ उसको भी हम प्रिवेंटिवली आप में हम भी ले सकते हैं जिनको अगर इनिशियली देखिए जैसे एग्जांपल पिछले कुछ कोविड में हमने देखे काफ़ी सेलिब्रिटीज या काफ़ी यंग पेशेंट एक्सपायर हुए विद इन दैट्स ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स, हमने काफ़ी यंग पेशेंट एक्सपायर हुए देखे हैं। तो और वो भी यंग पेशेंट अराउंड एज 35 to 40 या 40 to 45 मैक्सिमम एज के हम सडन कार्डियक डेथ होने के जो चांसेस थे वो उसमें होते हैं। इसका कारण भी यही है कि हमारे जो यंग हार्ट होता है उसमें ब्लॉकेजेस ना हो, तो सडन जब एक्यूट हार्ट अटैक आता है तो हार्ट में सप्लाई सडन बंद हो जाता है वो आर्टरी से और हार्ट बिहेव करना जैसे VTVF में जाता है या फेलियर में जाता है, तो ऐसे सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर हम प्रिवेंटिवली भी हम ईसीपी ट्रीटमेंट देते हैं और उसमें अगर हमारे कोलेटरल्स हम प्रॉपर वे डेवलप कर देते हैं तो डेफिनेटली अगर कोई हार्ट अटैक आता भी है, कोई मेजर वेसल अगर बंद हो जाती है तो वो कोलेटरल्स मैनेज कर सकते, तो हमको सडन जो कार्डियक डेथ होता है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ईसीपी ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ हार्ट पेशेंट को ही, डायग्नोस पेशेंट को ही है, डेफिनेटली प्रिवेंटिव वे प्रिकॉशनर वे पे भी हम उसको ट्रीटमेंट ले सकते हैं, है ना। तो इसके अलावा भी हम जो प्रीमॉर्बिड पेशेंट्स है जैसे डायबिटिक हाइपरटेंसिव है उन्होंने भी इस ईसीपी के ट्रीटमेंट के बारे में एक अवेयरनेस के तौर पे एक जान लेना चाहिए कि उसमें क्या फ़ायदा होता है, तो हम सेंटर पे आएंगे तो हम डेफिनेटली उनको बता सकेंगे। इसके अलावा हार्ट के अलावा कोई पेशेंट से जो CV जिनको होता है या हम लकवा बोलते हैं सादे लैंग्वेज में, तो ऐसे पेशेंट में भी इसके काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स हैं। रिसेंटली हमने भी एक हाइपोजिक ब्रेन इंजरी का पेशेंट ट्रीट किया है ईसीपी के थ्रू और हमारे एक कलीग सेंटर है वहाँ पे भी CV पेशेंट विद इन 3 or 4 मंथ्स वो
लकवे वाला पेशेंट उनके पास है और उन्हें ACP से दिया तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट, पावर ग्रेड में इंप्रूवमेंट आया, इसमें मेमोरी इंप्रूवमेंट आया है और इसके सेंसेशंस में भी इंप्रूवमेंट आया है। तो ये ACP ट्रीटमेंट सिर्फ हार्ट के लिए हम लिमिटेड ना रखते हुए काफ़ी और बहुत कुछ इसमें इंडिकेशंस है, जिसमें भी हम लोग जहाँ पे भी ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड डिसीज रहे ना, डेफिनेटली वहाँ पे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, कई बार ऐसे मेरे भी सामने आए हैं कि डॉक्टर को भी पता नहीं है कि ECP क्या ट्रीटमेंट है और ये ट्रीटमेंट का रिजल्ट कितना मतलब पेशेंट के लिए अच्छा है, ये भी मिथ है या? बिल्कुल, देखिए एक जैसे आप पूछ रहे हैं कि डॉक्टरों को भी इस बारे में पता नहीं, तो डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा कि जैसे हमको जो दिखाया जाता है बेसिकली हम उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अभी हम अगर हम प्लेन ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई स्पेशलिस्ट बनता है तो टिपिकल अगर वो कार्डियोलॉजिस्ट है या कार्डियक सर्जन है या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है या पल्मोनोलॉजिस्ट है, तो उनको उन ब्रांच के हिसाब से उनको नॉलेज ज़्यादा बढ़ जाता है ना। अब जब भी हम अगर मार्केट में हम आते हैं, कार्डियोलॉजी भी बनता है तो उनको एंजियोप्लास्टी और बाईपास पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसलिए उनको उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली, लेकिन उनको भी बेसिक नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोल सकते कि हमने कोई ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। डेफिनेटली वो बेसिक जो बुक मैंने पढ़ा है डेफिनेटली उन्होंने भी पढ़ा ही है, हॉरिसन्स बुक पढ़ा उसमें मेंशन है, वर्नवर्ड्स बुक में मेंशन है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि किसी को भी इस ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता, सबको पता है, लेकिन हाँ अपने अपने एक जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो लेके चलते हैं अगर वो उसमें इंक्लूड नहीं है तो डेफिनेटली वो अपने अपने लाइन के हिसाब से ट्रीटमेंट करते, तो हाँ एक बोल सकते कि हाँ मुझे इस इंफॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन ये ट्रीटमेंट ही नहीं है या ये क्वैक ट्रीटमेंट है या फेक ट्रीटमेंट है, ये डेफिनेटली वो नहीं बोल सकते। बिल्कुल ना, और ये हम अगेंस्ट पेशेंट्स राइट जाके भी हम काम नहीं कर सकते, उनको हमको ये ऑप्शन देना भी जरूरी पड़ता है कि हाँ आपको ये अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली आप ये ट्रीटमेंट भी ट्राई कर सकते हैं, भला ही वो होम्योपैथ आयुर्वेद क्यों ना ट्राई करना चाहे, लेकिन अगर हमको नॉलेज नहीं इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये डेफिनेटली गलत है। ECP ये ट्रीटमेंट क्या ऐसा कुछ है कि कुछ पेशेंट पे ये काम नहीं कर सकते या कुछ पेशेंट को हम ये ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, ऐसा कुछ है? हम लोग जैसे बोलते हैं कि ACP ट्रीटमेंट हम ये ब्लड फ्लो रिलेटेड डिसीज है और ब्लड फ्लो से रिलेटेड जो भी डिसीज होते हैं उसमें हम लोग ट्रीटमेंट करते ही हैं, और स्पेशली अगर हार्ट से रिलेटेड अगर आप पूछ रहे हैं तो कुछ कुछ पेशेंट्स है जो हम लोग इसमें अवॉइड कर सकते हैं, जैसे जिनका इरेगुलर रिदम होता है, जो रिदम मेंटेन नहीं कर रहे हैं या AFib बोलते फ्लटर होता है, उनके हार्ट रिदम मेंटेन नहीं होता तो उस वक्त मशीन उनके इसमें सिंक्रोनाइज नहीं कर पाती, ऐसे कंडीशन में डेफिनेटली हम उसको बोल सकते हैं आप ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। कोई ओपन वुंड वाला पेशेंट है या जिसका बाईपास हुआ और जिसका ग्राफ्ट बंद हो गए लेकिन उसका घाव नहीं भरा है, ऐसे कंडीशन में भी हम उसको सडन ये ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, थोड़ा वेटिंग पीरियड होता है, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद डेफिनेटली हम उसको ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओपन वुंड हो, डायबिटिक फुट हो, ऐसे कंडीशन में भी हम थोड़ा अवॉइड करते हैं जहाँ पे ब्लीडिंग चांसेस हो। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिसमें BP मोर देन 200 सिस्टोलिक या 110 डायस्टोलिक है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम ट्रीटमेंट अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो हार्ट के थ्रू उसका हाइपरटेंसिव पेशेंट में ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं और ज़्यादा, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको अवॉइड करते हैं। बाकी ट्रीटमेंट फ़ायदा नहीं होता ऐसे तो बहुत कम इसमें देखा है। हाँ डेफिनेटली हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसमें कोई पेशेंट को रिजल्ट आता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अगर उसका कुछ हम टाइम उसको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दे तो डेफिनेटली उसको भी हम ट्रीटमेंट बोल सकते कि उसको रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल, ECP ट्रीटमेंट जो है वो हार्ट डिसीज में किस तरह से दी जाती है, क्या बताओगे? ECP ट्रीटमेंट स्पेशली हार्ट के लिए जहाँ इंडिकेटेड है, जैसे जो पेशेंट्स जिसको एंजियोप्लास्टी या बाईपास किसी भी कारण नहीं करना है, जैसे किसी का रिलीजियस का रीज़न भी रह सकता है, कोई स्पेशली मुस्लिम पेशेंट है जो अपना बॉडी को बोलते हैं कि हम अपना चीरफाड़ नहीं करना चाहते, ऐसे कंडीशन में कुछ रिलीजियस इश्यूज भी आते हैं, कोई इमोशनल अटैचमेंट रहता है कि मैं अगर सच में बाईपास करूँ और पेशेंट मर गया, कुछ डर रहता है मरने का, तो ऐसे कंडीशन में भी बोलते हैं कि नहीं मैं बाईपास नहीं करना चाहूँगा, मुझे बिना चीरफाड़ के कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल हो तो डेफिनेटली देना चाहिए। कुछ पेशेंट मेरी तरफ से बोलूँगा मैं कि जो पेशेंट चलते फिरते हैं, पंपिंग कैपेसिटी अच्छा है, हाँ डायग्नोस्ड हो गया है ट्रिपल वेसल डिसीज है, बाईपास प्लास्टी एडवाइस किया है, लेकिन अगर वो एंजियोप्लास्टी बाईपास के लिए एज सच उतना इंडिकेटेड नहीं, तो डेफिनेटली उनको ये हम ऑप्शन दे सकते हैं कि आप ECP से हम अगले 4 से 5 साल आप विदाउट कोई इन्वेजिव प्रोसीजर हम उनके निकाल सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी हम उसको
एडवाइस कर सकते हैं। जो प्लास्टी बाईपास करने के बावजूद भी जो पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलते, ऐसे पेशेंट में भी ईसीपी इंडिकेटेड है, जहां वहां पे हमारे पास काफी एग्जांपल्स है, काफी पेशेंट से, लाइव पेशेंट से, कुछ पुराने पेशेंट से, हम उसको हिस्ट्री के साथ आपको सब बता सकते हैं सेंटर पे आते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे कंडीशन में हम उनको एडवाइस कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी देखे गए हैं कि ईसीपी की जो थेरेपी है वो बायपास और एंजियोप्लास्टी की जैसी लॉन्ग टर्म नहीं होती है। नहीं, ये नहीं बोलूंगा। जैसे लॉन्जिटिविटी अगर कंपेयर करते हैं तो हम ऐसे आज भी अगर एंजियोप्लास्टी करने के बावजूद भी एक दो साल में भी स्टेन ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। हम भी ऑन एन एवरेज हम 3 साल का अप्रोक्सीमेट एंजियोप्लास्टी का हम स्टेन का लाइफ कंसिडर करते हैं। हमारे इतने प्रैक्टिस में भी 2005 से वर्किंग हूँ, काफी हार्ट के हॉस्पिटल में काम कर चुका हूँ, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि स्टेंट की लाइफ अप्रोक्सीमेट 3 इयर्स तक हम कंसीडर कर सकते हैं। बाईपास ग्राफ्ट का भी 5 साल तक हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ईसीपी की लॉन्जिटिविटी अगर उनको कंपेयर करेंगे एज टू दैट प्लास्टी और बाईपास, तो उसका भी एक इक्विवेलेंट ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। इसका भी जो लाइफ है वो 3 से 4 साल या मैक्सिमम 5 साल तक ईसीपी का रिजल्ट रहता है। तो हम पेशेंट को ऑप्शन दे सकते हैं कि आपको 3 से 4 साल या 5 साल आपको किस वे से ट्रीटमेंट करना है। तो अगर आपको नॉन सर्जिकली करना है तो ईसीपी इज द बेस्ट एंड फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वी कैन से, है ना। और प्लास्टिक बाईपास भी कर सकते हैं, अगर वो भी 3 साल 4 साल अगर उसमें उसके बाद में भी अगर आप कुछ तकलीफ हो तो हम अगर रीडो ऑपरेट करना है कोई पेशेंट बाईपास, जैसे प्रीवियस बाईपास सर्जरी हम कंपेयर करेंगे, कोई संतरा अगर छीलना चाहो तो जैसे इजिली संतरा हम ओपन कर सकते हैं, उसका ही रीडो ऑपरेट करना है तो जैसे मौसम्बी को उतना इजीली हम ओपन नहीं कर सकते। तो जस्ट रीडो ऑपरेशन भी उतना ही रिस्की होता है उसका। हाँ, और ऑन टेबल डेथ की कंसेप्ट तो डेफिनेटली होता है, या प्लास्टिक करो, बाईपास करो, या योर रीडो ऑपरेट करो, तो मरने के चांसेस डेफिनेटली उसमें ज्यादा है। जो 0% रिस्क यहाँ पे मरने के होते हैं ईसीपी ट्रीटमेंट से, हम उसमें हम एक पॉजिटिव बोल सकते हैं। मतलब एंजियोप्लास्टी का रिप्लेसमेंट हम ईसीपी थेरेपी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं हम। वही जब से मैंने आपको पहले भी बोला कि हाँ इमरजेंसी है, जो उस वक्त पेशेंट अनस्टेबल है, हेमोडायनेमिक्स मेंटेन नहीं कर रहा है, उसका जान बचाना जरूरी है, उस वक्त हम नहीं बोलेंगे कि आप वहां से उठा के ईसीपी लो। बट उस वक्त हमको एंजियोप्लास्टी जरूरत पड़े तो डेफिनेटली करना चाहिए। बट अगर पेशेंट अपने को टाइम दे रहा है, पेशेंट स्टेबल है, और उस कंडीशन में हम उसको डेफिनेटली तीनों ऑप्शन दे सकते हैं। अगर पेशेंट की इच्छा है ईसीपी करना तो हम उसको जरूर ईसीपी बोल सकते हैं। बिल्कुल, मुग्धा हार्ट केयर जो है आपका, उसके द्वारा ये ईसीपी ट्रीटमेंट दी जाती है। तो हमारे दर्शकों को आपके क्लिनिक के बारे में संक्षिप्त में बताइए और किस तरह से आपके यहाँ कार्य होता है। देखिए, हमारा जो सेंटर है वो अजनी स्क्वेयर वर्धा रोड नागपुर पे लोकेटेड है और एकदम अप्रोचेबल है, जहाँ पे हम चारों कॉर्नर से हम अगर आते हैं तो एकदम अप्रोचेबल जगह पे आप पहुँचेंगे। तो उसका एक इजी अप्रोचेबल होने के कारण मैं एक प्लस पॉइंट बोलूंगा। दूसरा प्लस पॉइंट कि हमारे यहाँ जो मशीन यूज करते हैं वो न्यू ब्रांड मशीन है, बाकी सेंटर जैसा सेकंड हैंड मशीन हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं। जो बोलते हैं कि हमारे पास जितने मशीन उतने मशीन, डेफिनेटली हमारे पास एक मशीन अभी है और हमारे भी ब्रांच चल रहा है मनीष नगर में। हमारा अभी आपको अनाउंस कर रहा हूँ, मनीष नगर विद इन 6 मंथ्स हमारा सेंटर स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी हमारे काफी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्रांचेस का भी प्लान चल रहा है, जो विद इन 2 इयर्स हमारे विदर्भ के हर इस आपको डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक एक सेंटर मिल जाएगा। तो हम न्यू ब्रांड मशीन पे विश्वास रखते हैं, प्रूवन टेक्नोलॉजी वाले मशीन पे विश्वास रखते हैं, और जो हमारे पास मशीन है एक कॉम्पैक्ट डिजाइन वाली है और साउंडलेस टेक्नोलॉजी वाली है, और जहाँ वो कॉम्प्रेसर है वो भी हम 12-12 पेशेंट भी हम एक ही मशीन पे हम करते हैं, लेकिन लास्ट वाले पेशेंट को भी कोई गर्म हवा वहाँ से आती है और पेशेंट को बाकी मशीन जैसा चटका लगता है, वैसा हमारे यहाँ नहीं है। तो हम लोग जो कंडीशन में पेशेंट आता है उसी कपड़ों पे और उसी इसमें हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हमारा प्लस पॉइंट है। और साउंडलेस होने के कारण पेशेंट को बिल्कुल ही डिस्कम्फर्ट नहीं है, वो इजीली वहाँ पे अपना टीवी देख सकता है, फोन पे बात कर सकता है, रिलेटिव के साथ बात कर सकता है, हमारे साथ बात कर सकता है, जो बाकी सेंटर्स में अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण पेशेंट काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है ट्रीटमेंट से। तो हमको हम ट्रीटमेंट के और ट्रीटमेंट प्रूवन है, जो बाकी सेंटर्स पे हमारा जो रिजल्ट है वो 20 सेशंस में मिलता है, हमारे 10 सेशंस मिलने के चांसेस हैं, और जो कंफर्ट भी हम देखते हैं पेशेंट का तो डेफिनेटली बाकी सेंटर्स से हमारे पास ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रीटमेंट होती है। और हमारा एटमॉस्फेयर भी हमने एक थोड़ा सा फ्रेंडली और के हिसाब से करके रखा है, तो यहाँ पे हमारे कोई भी कंप्लेंट्स पेशेंट के तरफ से नहीं आती, कि आपके रिलेटिव कोई रिलेटिव की तरफ से भी नहीं आती कि आपके स्टाफ ने कोई मिसबिहेव किया हमारे साथ, या कोई डॉक्टर ना अवेलेबल है हमारे पास, कोई डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं रहते, तो ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है कि जिसके कारण पेशेंट इधर उधर भटक सके। तो जब हम विजिट हमारे पास आता तो पेशेंट कहीं और जाने की नहीं सोचता। बिल्कुल,
हार्ट डे है, विश्व हार्ट दिवस जो है मनाया जा रहा है, तो आप हमारे दर्शकों को अपने हृदय को निरोगी किस तरह से रखा जाता है क्या बताना चाहोगे, एक संदेश छोटा सा? बिल्कुल, अभी आज वर्ल्ड हार्ट डे है तो इसके बारे में मुझे बोलना तो जरूरी है। सबसे पहले तो हम हार्ट हमारे बॉडी में हार्ट की बीमारी ना हो उस पर ही ज्यादा ध्यान दिया तो अच्छा रहेगा, प्रिवेंटिव वे। जैसे आज की यंग जनरेशन की लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक बिगड़ गई है, जो अगर वही 20 साल पहले का अगर कंपेयर करो ज़्यादा दूर भी ना जाए तो भी, हमारा रहन सहन खान पान सब बिगड़ गया है, हमारे सोने की आदतें बिगड़ गई है, जागने की आदतें बढ़ गई है, पार्टी शार्टी सब करते हैं, ठीक है एक लेवल तक वो सब, लेकिन जो रेगुलरली ये सब लाइफस्टाइल फॉलो करता तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप धीरे धीरे करके आप वो थोड़ा अवॉइड कीजिए। स्मोकिंग और टोबैको रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है एज कम्पेयर टू इवन अल्कोहल। 60 ml अल्कोहल डोज, ये तो मेडिकल डोज भी बोला है कार्डियक यानी वैसोडायलेटर के हिसाब से, लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए डेफिनेटली, तो उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। तो जो भी बैड हैबिट्स है आपके, बैड एडिक्शन है, वो वहाँ से पूरी तरीके से हट जाना चाहिए। पिज्ज़ा बर्गर ये अपनी चीज़ें होती ही नहीं, और जो अपने लिए है ही बनाए नहीं गए एक्चुअली एक हेल्दी हार्ट या हेल्दी लाइफस्टाइल के हिसाब से, तो उसको तो मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि अपने बच्चों को भी आदत ना डाले तो डेफिनेटली उनको भी नहीं लगेगी। हम मैकडोनल्ड्स और बड़े बड़े ब्रांड के नाम से हम उनको पिज्ज़ा बर्गर खिलाते हैं लेकिन वो गलत है, वो फिनेंशियली वो तो मैं नहीं डिस्कस करूंगा इस कैमरे पे, लेकिन बाकी भी हेल्थ वाइज वो बिल्कुल अच्छी चीज़ें नहीं है, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। यंग जनरेशन हो या एक मनी मेकिंग फेज में भी जो लोग आ गए वो अल्टीमेटली काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं अपना फ्यूचर या अपने बिजनेस के बारे में, तो वो भी एक थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और रहन सहन ठीक रहे, लाइफस्टाइल प्रॉपर रहे, खुद के बॉडी को भी एक प्रॉपर टाइम दे। जैसे मैं लास्ट टाइम एक रेडियो में बोला था कि हम अगर हमारा लाइफ को 8+8+8 के हिसाब से अगर डिवाइड करते हैं तो उस हिसाब से भी हम अपना लाइफस्टाइल एक सिंपल वे भी करते हैं ना, जैसे 8 घंटा नींद है, 8+8+8 के हिसाब से 8 घंटा प्रॉपर नींद होना ही चाहिए, 8 घंटा अपने खुद के काम के लिए देना चाहिए और 8 घंटा पर्सनल यूज़ करना चाहिए, जिसमें पर्सनल वे भी हम अपना जैसे आजकल सोशल मीडिया है, अपने फैमिली है, सोशल एक्टिविटीज़ है, उसमें भी हम 8 घंटे प्रॉपर डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम 24 घंटा उसको हम पूरी तरीके से बाहर रहे, तो हम इसको भी अगर प्रॉपर वे डिवाइड कर लेना तो भी हम काफी अच्छा अवॉइड कर सकते हैं हार्ट डिजीज का चल के फ्यूचर में। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी जो है आज विश्व हार्ट दिवस के मौके पर हमारे दर्शकों को दी, क्योंकि ये जो हृदय होता है ये पूरे अपने अंग का एक विशेष ऐसा अंग है, क्योंकि यही ना हो या यही बंद हो तो हमारे शरीर का महत्व ही नहीं रहता है, ये अगर बंद पड़ता है तो। और इसके निरोगी रहने के लिए, इसके लिए जागरूकता के लिए ये जो है आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस जो है मनाया जाता है, और उसी उपलक्ष्य पे सर ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी ईसीपी ट्रीटमेंट के बारे में, जो भी गलत फहमियां हमारे दर्शकों के बीच में थी वो भी हमने आज क्लियर करवाई है सर से, और ईसीपी ट्रीटमेंट कितनी कारगर है हृदय रोग में और अन्य भी कुछ डिसीज है उससे ईसीपी ट्रीटमेंट से वो कवर हो सकती है ये सर ने बताया है। और आज के लिए इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है यही रुकने का, ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए BCN News। नमस्कार, धन्यवाद।